नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए RPF भर्ती, जो कि आप YouTube पर देख रहे होंगे और सोशल मीडिया साइट्स पर भी आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर लोगों ने कम से कम YouTube पे हज़ारों वीडियो ऐसे घूम रही हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि RPF में 19,952 पदों पर कॉन्स्टेबल और SI के पदों पर भर्ती जल्द ही निकलने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में बताऊंगा कि ये बिल्कुल ही फेक न्यूज़ है और मैं आपके लिए इस न्यूज़ के लिए जो मैं बोल रहा हूँ ये किसी न किसी आधार पर बोल रहा हूँ। तो मैं आपके लिए आप RPF की वेबसाइट पर ले जाकर दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक RPF की तरफ से नोटिस जारी किया गया है जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि RPF की तरफ से अभी तक कोई भी भर्ती का प्लान नहीं बनाया गया है और RPF में अगले एक साल तक कोई भी भर्ती नहीं होनी है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप केवल ट्रू न्यूज़ चाहते हैं RPF की भर्ती या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की भर्ती के बारे में, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपको मिलेगी केवल ट्रू न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने मोबाइल की और लैपटॉप की और अपने पीसी के कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम आ चुके हैं इस समय गूगल पे। तो मैं आपके लिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा जिससे आपको कोई भी डाउट ना रह जाए इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर मैं दोस्तों टाइप करता हूँ RPF ऑफिशियल वेबसाइट। तो RPF ऑफिशियल वेबसाइट पर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको खोलना होगा दोस्तों RPF मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड। सबसे ऊपर जो लिंक आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो RPF की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ पर दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ, उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट में ही RPF की तरफ से एक लिंक दिया गया है कि फेक एडवर्टाइजमेंट इन सोशल मीडिया अबाउट रिक्रूटमेंट ऑफ 19,952 कॉन्स्टेबल इन RPF। तो दोस्तों, ये RPF की तरफ से जो है वो एक लिंक दिया गया है, इसमें एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें इन्होंने बताया है कि जो 19,952 कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए सोशल मीडिया पर जो फेक एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं वो बिल्कुल भी फेक हैं। RPF की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की गई है कि RPF में 19,952 या 11,000 के भी चल रहे हैं काफ़ी। तो RPF की तरफ से ये अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि 19,952 या फिर एक भी पद पर RPF में रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशंस जारी की गई हैं। तो दोस्तों, मैं इस लिंक पे यहाँ पर अभी क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में दोस्तों हम आ जाएंगे यहाँ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से जो वार्निंग दी गई है, एक नोटिस दिया गया है उस पर। तो मैं इसके लिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपके लिए ये साफ साफ समझ में आए। तो दोस्तों, मैंने इसके लिए अभी थोड़ा सा जूम कर लिया है, उम्मीद करता हूँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वार्निंग यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको पहले इसको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ, फिर इसका मैं आपको हिंदी में भी मतलब समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, इन रिसेंट पास्ट रिपोर्ट हैव कम टू लाइट दैट सम वेबसाइट एंड सोशल मीडिया आर स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ अबाउट 19,952 कॉन्स्टेबल इन RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो दोस्तों, ये इसका मतलब है कि अभी कुछ हाल ही में कुछ रिपोर्ट RPF की तरफ से नोट की गई हैं, इनकी नोटिस में आई हैं कि कुछ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर जैसे कि YouTube है, यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोस आप खुद भी देख रहे होंगे, तो RPF की नोटिस में ये बातें दोस्तों आई हैं। तो इन्होंने ये जो नोटिस है इनका जारी करने का केवल मकसद यही है कि आप लोग जो है वो किसी भी फॉल्स न्यूज़ के बहकावे में ना आएँ, फॉल्स वेबसाइट पर ना जाएँ जहाँ पर यह गलत न्यूज़ दी जाती है फॉल्स, या फिर आप किसी भी ऐसे यूट्यूब चैनल को ना देखें जिस पे ये न्यूज़ दी जाती है कि 19,952 पदों पर RPF में रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो दोस्तों, RPF की तरफ से बिल्कुल साफ साफ ही नोटिस जारी कर दिया गया है उनकी वेबसाइट पर। आप अगर इस नोटिस के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल स्टेप से बता चुका हूं। गूगल पे जाके आपको टाइप करना है सिंपल RPF ऑफिशियल वेबसाइट, उसके बाद में जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आपके लिए मिल जाएगा फॉल्स फेक एडवर्टाइजमेंट अबाउट 19,952 रिक्रूटमेंट इन RPF। तो दोस्तों, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। आगे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि प्रोमिसिंग टू गेट कैंडिडेट्स रिक्रूटेड इन एक्सचेंज ऑफ मनी, ऑल प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड पब्लिक इन जनरल आर हेयर बाई इंटीमेटेड दैट नो सच नोटिफिकेशन हैज़ बीन इशूड बाई द RPF और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट और
थ्रू एनी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो दोस्तों यहाँ पर बता रहे हैं कि इस भर्ती इस बारे में जैसे कि आप देख रहे हैं कि 19,952 जो पोस्ट है इसके बारे में आरपीएफ की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर उनकी और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया गया है कि आरपीएफ में 19,952 पदों पर या 11,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आरपीएफ की तरफ से नोटिस जारी करने का यही मकसद था कि आप किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल के बहकावे में ना आएँ और कोई फॉल्स न्यूज आप ना देखें। तो यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, आरपीएफ और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ एनी वन टेक्स सच फॉल्स इन्फॉर्मेशन सीरियसली एंड गेट्स विक्टिमाइज इन एनी मैनर। तो यहाँ पर दोस्तों आरपीएफ की जो डीआईजी हैं, आरपीएफ की डीआईजी सतीश, उन्होंने 21 फरवरी 2020 के लिए ये नोटिस के लिए साइन किया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ये डीजी हैं, डीआईजी हैं दोस्तों। तो अभी आपके लिए विश्वास हो गया होगा कि कोई भी ऐसा आरपीएफ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए और आप केवल ट्रू न्यूज़ चाहते हैं अगर आरपीएफ या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, तो आपको हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे ये वीडियो पूरे यूट्यूब पर हर बंदे पर फैल जाए और वो फेक न्यूज़ से बच जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, क्योंकि दोस्तों जब भी आरपीएफ में या फिर किसी भी गवर्नमेंट की जो भी नोटिफिकेशन आती है तो मैं सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करता हूं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर वही नोटिफिकेशन मुझे मिलती है मैं तभी उसकी वीडियो बनाता हूं, उससे पहले मैं कोई भी वेबसाइट पर जाकर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं डालता हूं जिससे किसी के लिए नुकसान हो। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं केवल ट्रू न्यूज़, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और शेयर करें जिससे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक सच्चा चैनल पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।